कहाँ लगे होते हैं, क्या होता है उनमें, कैसे पता लगाओगे? मेरी बात स्पष्ट हो पा रही है? हो पा रही है ना? तो क्या लगता है क्यों बढ़ते हैं पेड़ पौधे? थोड़ा आगे पीछे से जोड़ के देखो, बारिश होती है ना, वो कहाँ लगी है मिट्टी में, तो मिट्टी में बारिश का पानी जब भूमि में जाता है तो पानी अभी तो यहाँ ही लगाना है, प्रकाश संश्लेषण वाला वर्ड यूज नहीं करना अभी, ठीक है? तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना हमको अभी सोचना। तो पहली बार जिसने खोजा होगा उसको भी कितना परेशानी हुआ होगा, लग रहा होगा अभी आप लोग का एक रबर घूम जाता है, पेंसिल घूम जाता है, तो परेशान हो जाते हो ना। तो उस समय ये सवाल भी अचानक सोचो ना, बहुत पहले जब किसी को इतना ज्ञान उनके पास नहीं था, इतना कुछ एक्सपोजर नहीं पता था, तो कैसे कितना वो डर गए होंगे कि अचानक से दिन था और रात हो गया, डर गए होंगे ना। फिर पता लगाने का कोशिश कर रहे होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसी क्रम में हम क्या करते हैं, विज्ञान करते हैं। विज्ञान में कुछ हमारे प्रश्न होते हैं जिनको हम जांचने परखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा इन्होंने अभी कोशिका को देखा था पहली बार, है ना। तो ठीक है, हमें ये सब पता है कि किसने क्या खोजा है, इससे हमको क्या मिला वो हम सोच पा रहे हैं क्या? थोड़ा इससे भी सोचना है ना। कोशिका खोज ली तो उससे मेरा क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ मुझे? कुछ तो फायदा हुआ होगा ना, क्या फायदा हुआ ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इस पर सोचना, ठीक है? अमान को बता दो, अमान को आप भी कुछ बता रहे थे ना, आप बता रहे थे ना कुछ, बोलिए बोलिए। बिजली का खोज किया था कि वो क्या बोलते हैं बल्ब ना, बहुत अच्छा। और कोई आर्यभट्ट ने क्या, आर्यभट्ट ने पाकिस्तान में रेडियस के टीके की खोज की। इससे तो बहुत फायदा हुआ हमको, नहीं? बहुत अच्छे। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, ठीक है? और तो 28 तारीख को हम सब भी कुछ खोजने, कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि आगे जाकर आप में से किसी एक का नाम वहां पे आए, जहाँ आज सीवी रमन का नाम है, या जैसा आप बता रहे हैं पर्शर का नाम है, रॉबर्ट हुक का नाम है, उस जगह पे हमारे यहाँ से भी किसी का नाम रहे कि इसने कुछ खोजा, कुछ नया किया, है ना। तो उसको करने की ललित था मुकेश, और कक्षा आठवीं से हुआ, ठीक है? आप बताओ क्या बना रहे हो? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बनाओगे उसको? फिर हंस रहे हो? माइक्रोस्कोप कैसे बनाओगे उसको? और क्या क्या लगेगा? कांच कैसा कांच, कोई भी कांच, प्लास्टिक लगेगा कि कांच लगेगा, क्या लगेगा? प्लास्टिक लगेगा। तो आप लोगों ने ऐसे माइक्रोस्कोप देखा है, कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, ठीक है? बता पाओगे थोड़ा सा कैसे कार्य करता है? देखा था कि प्याज के झिल्ली में ईंटों की आकार कुछ दिखाई देते हैं। वो क्या है जो दिखता है हमको, उल्टा का टूटा कोशिका हमारे में है क्या? हम तो प्याज नहीं है, हमें क्यों है? कोशिका से हमारे शरीर में नहीं है, कहाँ दिख रहे हैं? दिख रहे कोशिका दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहा है यहाँ मेरे चेहरे में वो ईंट का डब्बा बना हुआ, क्यों नहीं दिख रहा? प्याज में दिखता है क्या वैसे ईंट? नहीं दिखता है, जब उसको सूक्ष्मदर्शी में लगाते हैं तो दिखता है ना। ऐसा क्या होता है उसमें, क्या हो जाएगा? खुली आंख से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें डाल रहे तो दिख रहा है ना। सूक्ष्मदर्शी में छोटी चीज को, तो उसमें ऐसा क्या लगा होता है जो हमारे
साथ में नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है, देखो खोजना थोड़ा सा है ना। फिर उस दिन जब आप प्रेजेंट करोगे अपना मॉडल तो ये सब सारी चीजों को बताना, ठीक है? चलो बहुत अच्छे। आराम से रिलैक्स होके एकदम। हम लोग वायु प्रदूषण बना रहे हैं, जिसे हम लोग वायु प्रदूषित होता है उसको बताएंगे। फैक्ट्री के माध्यम से, फैक्ट्री के धुआं या गाड़ी वाड़ी के धुएं से वायु प्रदूषण होता है उसको बताएंगे। फिर उससे क्या होगा बताएंगे, तो क्या होगा उससे? क्या करोगे तुम जान के वायु प्रदूषित हो रहे तो? तुमसे तुम्हारा कुछ उसमें है, मतलब है तुमसे वायु का? क्या मतलब है? पर्यावरण दूषित, पर्यावरण दूषित होता है उससे तुमको क्या मतलब है? पर्यावरण नहीं होगा तो हम सांस नहीं लेंगे। अच्छा, पर्यावरण नहीं होगा तुम सांस नहीं ले पाएंगे। अच्छा, एक चीज पूछ रही हूँ, ठीक है? इसको बुरा मत मानना, ठीक? मैंने बहुत जगह देखा है तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे भी वो होता है क्या। जैसे कक्षाओं में हम कुछ जब खाते हैं या मान लो कुछ पेपर वगैरह वो होता है तो इसको ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे खिड़की के बाहर ऐसे फेंक देते हैं। हमारा क्लास तो बढ़िया साफ सुथरा है, बाहर गंदगी जमा हो रही होती है तो इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है? तो फिर उसको कैसे करेंगे? आपने तो पढ़ा है ना कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तो क्या कर रहे हो फिर? आपका क्लास तो बढ़िया साफ दिख रहा है, बाहर क्या हो रहा है? क्या करना चाहिए उसके लिए? बस पढ़ लेना चाहिए किताब में? नहीं, साफ साफ करना चाहिए। तो वायु प्रदूषण बस पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आप साफ कर सकते हो ऐसे? नहीं, कैसे करोगे? मेरा नाम प्रिया कुमारी भाट है। मैंने सीरत कुमारी, मैंने श्वेता कुमारी चौहान, मैंने हम लोग जल चक्र बना रहे हैं जिसमें हम लोग जल का उपयोग बना रहा हूँ और कहा एक डब्बा से बना रहा हूँ, उसमें मोटा बैटरी लगा रहा हूँ और बना लिए बनाऊँगा और वायु प्रदूषण कर लिया उसमें। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का समझाओगे? अच्छा, तुमने बोला वायु प्रदूषण करोगे तो मेरे को मैं वैक्यूम क्लीनर, मैं वैक्यूम क्लीनर बना रही हूँ। उसमें कचरे को साफ करते हैं। कैसे बना रहे हो उसको? एक बड़ा बोतल और एक छोटा बोतल, उसके अंदर मोटर फिट करेंगे, फिर उसमें पाइप लगाएंगे तो बन जाए। कैसे काम करता है वैक्यूम क्लीनर बता पाएगा? हवा से। अच्छा, वो कुछ खींचता है क्या? हाँ, खींचता है वो दांत के कारण। तो हमको दिख रहा है जो फूट के बाहर निकल रहा है वो पत्थर का कण है क्या? क्या है? लावा। क्या है लावा? आपको कैसा दिखता है वो लावा? ठोस दिखता है, गैस दिखता है, द्रव जैसा दिखता है। तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसा है क्या? थोड़ा पता करना है इसको, ठीक है? थोड़ा मैम से पूछना या नेट पे देखना क्या है वो, ठीक है? तो इनकी मदद करना उस दिन ये थोड़ा और